हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के फ्रंट भाग में डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये जान लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नेक बनाने के लिए ज़रूरत होगी अपनी एक बुकरम की। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके की पट्टी बना लेनी होगी, हाफ इंच चौड़ी पलट कर। ये बहुत आसान होता है, आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो हम अपनी बुकरम पर जो सबसे पहले मार्किंग करेंगे वो करेंगे नेक की। तो नेक की मार्किंग करने के लिए हम आपको अपनी बुकरम का साइज़ बता देते हैं। दोस्तों, हमारी बुकरम की जो लंबाई है वो है 9.5, मतलब के 9.5 इंच, और चौड़ाई है 12 इंच, मतलब के 12 इंच। इसके बाद हम इसे सीधा सीधा बीच में से आधा आधा फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले हम अपने गले की ब्रॉडनेस का निशान और उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, हमारे गले की जो ब्रॉडनेस है वो है 10 इंच, तो 10 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 5 इंच, मतलब के 5 इंच। तो यहाँ पर हम अपना 5 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों, हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 8.5, मतलब कि 8.5 इंच। तो हम सीधा सीधा 8.5 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे। और साथ ही दोस्तों, हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिजाइंस, कुर्ती के डिजाइंस या फिर अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट जरूर करें, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइंस मिलेंगे। अब हम अपने निशानों को सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने अपने निशान सीधे कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ से अपनी एक शेप देंगे जो होगी वी शेप, राउंड वी शेप, इस प्रकार से देखिए। तो ये हमने अपनी राउंड वी शेप का मार्क लगा दिया है। इसके बाद इसके बराबर में हम जो बुकरम छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे हाफ प्लस 1/4 इंच, मतलब के 1/4 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे दोस्तों बाहर की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक कट गया है। अब हम अपने नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक को कपड़े पर चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद में थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने नेक को कुर्ती पर रखकर नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, जैसे कि बाकी सारे नेक बनते हैं। और अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद में फिनिशिंग के साथ दोस्तों प्रेस लगा लेंगे। प्रेस करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, लेना है एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को आप अपने नेक के नीचे कुछ इस तरीके से फिट करेंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से फिट कर लिया है। और फिट करने के बाद में जो सिलाई मारेंगे वो अपने नेक से कम 1 इंच या 1.5 इंच हटकर मारेंगे, पूरी कच्ची सिलाई। तो ये हमने अपना पेपर अटैच कर लिया है। अब चलिए काउंटर पर हम बताते हैं इसमें क्या करेंगे। अब हम अपनी कुर्ती को कुछ इस प्रकार से बीच से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, हम अपने गले की ब्रॉडनेस का और लंबाई का निशान पेपर पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए, हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 6 इंच, तो 6 इंच का हाफ करेंगे वो होगा 3 इंच। तो यहाँ पर हम अपना 3 इंच पर इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम अपने नेक की लंबाई लगाएंगे। तो हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 3.5, यानी कि 3.5। आप अगर चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं और 4.5 भी। तो ये हमने अपना 3.5 पर मार्क लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक की अपनी कुछ इस प्रकार से गोलाई बना देंगे। देखिए, और इसके बाद हम यहाँ से अपनी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, कटिंग करने के बाद में जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। इसके बाद हम अपने नेक में ये पट्टियाँ अटैच करेंगे, चलिए मशीन पर। तो दोस्तों, पट्टी लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर मार्किंग करनी होगी। तो मार्किंग कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से। सबसे पहले आपको एक 20 सेंटर में चाक से मार्क इस तरीके से लगाना होगा, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर 1.5 इंच की गैपिंग से मार्क इस तरीके से लगा लें। ये हमने यहाँ पर अपने मार्क लगा लिए हैं। इसी तरीके से सेम हम दूसरी तरफ मार्क लगाएंगे, इन्हीं निशानों को थोड़ा डार्क कर लेंगे, जिससे कि हम अपने निशानों को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने सारे निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम अपने निशानों में ये वाली पट्टी अटैच करेंगे निशान को छुपाते हुए। तो हम यहाँ पर अपनी पट्टी जो है बीच वाले सेंटर से मिलाकर इस तरीके से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और अब हम आपको पट्टियाँ लगानी बताएंगे। तो पट्टियाँ किस तरीके से लगेंगी दोस्तों, सबसे पहले आपको जो पट्टी लगानी है वो कुछ इस तरीके से लगानी है। देखिए, आपको यहाँ पर अपनी पट्टी जो सबसे पहले रखनी है इस तरीके से, नेक को उठाकर अंदर की तरफ रखनी है इस तरीके से, और रखने के बाद में निशान को छुपाना है और कन्नी की सिलाई लगाते हुए सारी पट्टियाँ अटैच करनी है। तो दोस्तों, ये हमने अपनी पट्टी अटैच कर दी है एक तरफ से, अंदर की तरफ से। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हमारे पेपर पे निशान है यहाँ की तरफ, ये इन निशानों पर अपनी पट्टी को सेट करते हुए सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। और मार्जिन जो लेंगे हम अपने पेपर में वो लेंगे 1/4 इंच का। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को हम कटिंग कर देंगे पेपर से मिलाकर। इसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक और एक पट्टी, इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली हुई है। इसको हम किस तरीके से अपने नेक में अटैच करेंगे ये देखिए। पहले हम अपने नेक को इस तरीके से उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद में हम अपनी पट्टी को ऊपर की तरफ उल्टा भाग रखते हुए इस तरीके से पट्टी को रखेंगे, और जितना मार्जिन हमने यहाँ पर पट्टी को अटैच करने में लिया है, मतलब नीचे वाली पट्टियों को अटैच करने में, उतना ही मार्जिन लेते हुए हम अपनी ये वाली पट्टी को अटैच करेंगे। ये वाली पट्टी को थोड़ा थोड़ा खींच कर अटैच करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खींचेंगे, खींचेंगे थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी और एक पट्टी अटैच हो गई है। इसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद में अपनी पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पहले एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद एक बार ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारी की सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपनी पट्टी को अटैच कर दिया है। इसके बाद हम अपना जो पेपर है वो निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, पेपर निकालने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ गया है, और पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारी इस वीडियो को और हमारे इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.truefashionpoint.com। यहाँ पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, और अलग तरीके के भी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप विजिट वहाँ पर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।